92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आज सहर कार्यक्रम प्रस्तुत करने में आ गया हूँ आपका ही अपना अनूप जलोटा। और इस सहर कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि ईश्वर के नाम लिए जाएं, जो आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण किया जाए और कुछ अच्छे विचार जिसकी हम बातें करें जो हमारे जीवन को सफल बनाए। तो नवरात्रि चल रही है, इस अवसर पर हम आपको माँ के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हे देवी नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, तुम पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो, नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। और इस सहर कार्यक्रम में अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जो स्थान हमारे देश में नहीं है, देश से बाहर है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, लोग वहाँ दर्शन करते हैं और ईश्वर से जो भी मांगते हैं उनकी इच्छा वहाँ पूरी होती है। आज आपको लेके चलता हूँ श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में ये मंदिर है। देखिए इसका लंबा नाम है नैनातेवु नागापूशानी अमन मंदिर। जी हाँ, लंबा नाम है नैनातेवु नागापूशानी अमन मंदिर, श्रीलंका में है। बहुत सुंदर मंदिर है, 36 किलोमीटर जाफना से ये दूर है। ये भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ जो पार्वती जी हैं उन्हें भुवनेश्वरी भी कहा जाता है, नागापूशानी भी, और भैरव जी को रक्षा शेश्वर कहा जाता है। कहानी ऐसी है कि सती के अंग जब पृथ्वी पर गिरे तो उनकी पायल यहाँ गिरी थी। तो शक्ति माँ की पूजा में पायलों का यहाँ बहुत महत्व है। पायल को तमिल में सिला पथिकरम कहते हैं। भुवनेश्वरी माता को काली, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री सभी स्वरूप में माना जाता है और पूजा की जाती है, क्योंकि ये क्रिएटर भी हैं और ये डिस्ट्रॉयर भी हैं। जी हाँ, नाश भी यही करती हैं और यही क्रिएशन भी करती हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक नागराज नदी में तैर रहे थे और वो जा रहे थे नैनातेवु की ओर। मुंह में एक कमल का फूल था। दूर से ऊपर एक बाज ने उसे देखा और उसने इस नागराज को मारने की कोशिश की। नागराज डर गए और एक पत्थर से लिपट गए, अपने को वहां छुपा लिया। लेकिन दूसरे पत्थर पे ही वो बाज भी आगे बैठ गया कि अब मैं इस नाग को खाऊंगा। वहां से एक नाव गुजर रही थी, उसमें व्यापारी मनीकन बैठे हुए थे। उन्होंने ये देखा और उन्होंने बाज से कहा कि तुम इस नागराज को हानि न पहुंचाओ, छोड़ दो। बाज ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक शर्त है कि यहाँ पर माता भुवनेश्वरी अमन का एक मंदिर बनाया जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। व्यापारी ने वहां ये मंदिर बनवाया और आज भी वो मंदिर वहां है। लोग जाते हैं, आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं और माता की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आपको अगर समय मिले जाने का तो जरूर जाएं और वहां पर आनंद लें। नैनातेवु नागापूशानी अमन मंदिर, श्रीलंका। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उस भजन का आनंद लीजिए, मैं भी उसका आनंद लूंगा। देखें उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमें इतनी अच्छी लगती है और हमें भा जाती है। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे और बैठ कर एकांत में, ध्यान धर प्रभु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोही परम पद पाएगा। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, खाक बन गुरु के चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा,
सो ही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मा नंद बीच समाएगा, सो ही परम पद पाएगा। कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सो ही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीच समाएगा। देखिए अपने नाम को कितनी सुंदरता से उन्होंने दो अर्थ दे दिए। पहला तो उनका नाम है ब्रह्मानंद, और वो कहते हैं कि जो प्रभु का नाम लेगा वो ब्रह्म आनंद बीच समा जाएगा। जी हाँ, ब्रह्म का आनंद जो है उसमें आपका पदार्पण हो जाएगा और आपके जीवन में वो आनंद मिलेगा जो एक ब्रह्म की कृपा से ही मिल सकता है। तो कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सो ही परम पद पाएगा। इस भजन को पूजनीय पंडित भीमसेन जोशी जी ने बहुत लोकप्रिय किया, ऐसा गाया जैसे लगता था कोई ईश्वर गा रहा है। भजन के बाद मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे गायक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप हैं यतेंद्र कुमार विज, दिल्ली में रहते हैं, और उनसे कुछ बातें करते हैं और उनका गाना सुनते हैं। आज शहर कार्यक्रम में मैं आपको एक बहुत अच्छे गायक से मिला रहा हूँ। आपका नाम है यतेंद्र कुमार विज। तो आज यतेंद्र जी से हम बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनका गाना भी सुनेंगे। यतेंद्र जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप कहाँ, किस शहर के रहने वाले हैं? देखिए, मेरा जन्म स्थान देहरादून का है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद संगीत के शौक मुझे दिल्ली तक ले आया। मैंने बैंक में काम करता था, बैंक से मैंने फिर यहाँ पर ट्रांसफर कराया दिल्ली में। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ आपने संगीत सीखा? संगीत मेनली तो मैंने घर पे रियाज करके ही काफी सीखा है। वैसे वहाँ पर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट होता था, वीनस म्यूजिक सेंटर, वहाँ सीखा था। अच्छा। दिल्ली में हमारे विनोद शर्मा जी एक हैं, उनसे थोड़ा सीख लेता हूँ कभी कभी। बहुत अच्छा। बहुत। तो आज आप क्या सुनाना चाहते हैं हम लोगों को? माता की भेंट है जो मेरे मित्र ने ही लिखी है। जरूर सुनाइए, क्योंकि आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं, हम लोग यही सब सुनने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं और आनंदित हो जाते हैं। हो जाए माता जी की भेंट। माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, अर्ज सुनो महामाई, अर्ज सुनो महामाई, जयकारा शेरावाली दा, जयकारा लटवाली दा, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे, माँ तेरे द्वारे तेरे भक्त पुकारे। आप तो इतने भाव से गाते हैं, बहुत आनंद आया। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि कभी आपको मैं सामने सुनूं। सर वो आप कभी चांस दीजिए, आप तो बहुत बड़े गायक हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जरूर आपको दिल्ली में कभी मिलूंगा और आपको सुनूंगा। तो 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना यतेंद्र कुमार विज जी को। आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर के साथ। समय से अपना रेडियो आरंभ कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, मैं तो वहां पहुंच जाऊंगा समय से। और अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।